हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक्सप्लेन करेंगे रेंट ए गर्लफ्रेंड के चैप्टर नंबर 252। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि काजुया एंड यामोरी एक रेस्टोरेंट पर होते हैं, जहां पर काजुया यामोरी से अपनी फीलिंग के बारे में बता रहा होता है और यामोरी भी मिजुआरा को मैसेज कर देती है, जिसकी वजह से मिजुआरा रिप्लाई करती है कि वो वहां पर आने वाली है। हमें कवर पेज दिखाया जाता है और कहा जाता है कि जैसे कि वो अपने दुख में डूब गया था, इसलिए चिजुरु उसे दिख गई। हम देखते हैं कि मिजुआरा वहाँ पर पहुँच गई होती है और जिसे देख के सारे लोग काफी हैरान होते हैं। वहाँ पर काफी सारे आदमी बात कर रहे होते हैं कि सुंदर लड़की कौन है, क्या वो अकेली है। वैसे हमें पता नहीं था कि इस सिटी में इतनी ज्यादा क्यूट गर्ल भी है। तभी वहाँ पर यामोरी हाथ हिलाते हुए चिजुरु को अपनी ओर बुलाती है और मिजुआरा भी उनकी टेबल के पास पहुँच जाती है। और यहाँ पर काजुआ मिजुआरा को देख के काफी हैरान होता है, उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो आखिर क्या कहे। और यहाँ पर काजुआ सोच रहा होता है कि क्या वो सच में यहाँ पर आ गई है, मुझे नहीं लगा था कि वो सच में यहाँ पर आ जाएगी, लेकिन वो हमेशा की तरह कितनी ज्यादा क्यूट है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, वो लास्ट में मेरे साथ और यामोरी के साथ मिलने के लिए आ ही गई। और यहाँ पर मिजुआरा मेनू देखना स्टार्ट कर देती है। तभी काजुआ सोच रहा होता है कि यहाँ के सारे लोग उसे ही देख रहे हैं, उसके ड्रेसिंग सेंस और वो स्प्रिंग क्लॉथ है, और मिजुआरा की वो थीन शर्ट और वो स्कर्ट उसके ऊपर काफी अच्छे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल उसके लिए कभी भी फटने वाला है। तभी काजुआ खुद को कहता है कि काजुआ खुद को लूज मत करना, एस क्लास की सुंदर लड़की तुझसे तो मिलने के लिए नहीं आने वाली। और यहाँ पर काजुआ परेशान होते हुए काफी ड्रिंक करने लगता है। तभी मिजुआरा काजुआ की ओर देखते हुए कहती है कि हे थोड़ा धीरे से पी लो। और तभी मिजुआरा काजुआ से कहती है कि मैं इससे पहले कि भूल जाओ तुम ये ले लो। और वो काजुआ की काम के लिए उसे पेमेंट देने लगती है, जो कि काजुआ मिजुआरा की हम साफ करने के लिए मदद किया होता है। और यहाँ पर काजुआ सोचने लगता है कि तो वो ये देने के लिए यहाँ पर आई थी, ये हो ही नहीं सकता है कि वो दुखी है और हमारे साथ मिलने आई है, वैसे उसके पास खाली वक्त भी नहीं है। तभी मिजुआरा एक ऑर्डर देती है एक काको हाई वॉल। ये सुनने के बाद काजुआ सोचने लगता है कि क्या वो सच में यहाँ पर पीने वाली है, तो इसका मतलब वो मुझे पैसा देने के लिए नहीं आई थी। क्या वो सच में दुखी है और मुझे मिस करती है, तो इसका मतलब मेरे पास अभी भी एक होप है। क्या मुझे सोचना चाहिए कि वो मेरे साथ ही ड्रिंक करने के लिए आई है। तभी यामोरी पूछती है कि क्या आप ड्रिंक करने के बाद खुद को संभाल सकती है। मिजुआरा कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है। और यहाँ पर काजुआ वही सीन को याद करने लगता है जब वो ड्रिंक करके किसी कोने में गिरा हुआ होता है, और वहाँ पर मिजुआरा आके उसे उठा के अपार्टमेंट तक लेके जाती है। तभी यामोरी मिजुआरा से पूछती है कि आखिर ये किस तरह की फीलिंग है जब आपको किसी क्लाइंट के साथ ड्रिंक करना पड़ता है। और ये सुनने के बाद तो काजुआ काफी हैरान होता है और वो सोचने लगता है कि ये आखिर किस तरह की सवाल है, क्या वो इस तरह के एक सवाल की जवाब देगी। तभी मिजुआरा कहती है कि कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन मैं अपने लिमिट के अंदर ही रहती हूँ और मुझे अच्छी तरह से पता है कि आखिर क्या लिमिट होनी चाहिए। और यहाँ पर ड्रिंक सर्व करने के लिए वहाँ पर एक लेडी आ जाती है। तभी यामोरी वहाँ पर एक्साइट होकर कहने लगती है कि तो ठीक है, हम आज हैंग आउट करने वाले हैं, और वो तभी चीयर करने के लिए बोलने लगती है। तो ये सुनने के बाद वो दोनों थोड़ा हैरान होते हैं और वो देखने लगते हैं। यहाँ पर मिजुआरा पहले हाथ बढ़ाती है और उसके बाद काजुआ भी मिजुआरा को देख के हाथ बढ़ाता है, और वो तीनों चीयर अप करके ड्रिंक करने लगते हैं। और वो रेस्टोरेंट के अंदर हम एक कपल को देखते हैं जहाँ पर एक लेडी कैरी होती है। हमें यहाँ पर ब्रेकअप कर लेनी चाहिए क्योंकि तुम तब से वो लड़की को ही देख रहे हो। और यहाँ पर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, और नेक्स्ट सीन में हमें मिजुआरा को दिखाया जाता है जहाँ पर वो ड्रिंक कर लेने के बाद थक गई होती है। और वो ड्रिंक करने के बाद कहती है कि यहाँ पर तो कुछ ज्यादा ही गर्मी है। और यहाँ पर काजुआ मिजुआरा की ओर देखते हुए सोच रहा होता है कि वो सच में पी रही है। और यहाँ पर काजुआ यामोरी की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है कि वो सच में लोगों को पीने के लिए मना ही लेती है। यहाँ पर तो काजुआ मिजुआरा की ओर ही देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है मैं उसकी और भी ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा हूँ। तभी मिजुआरा पूछती है तो मैं जब यहाँ पर नहीं थी तो तुम पहले क्या बात कर रहे थे। तभी यामोरी कहती थी कि ऑफ कोर्स तुम्हारे बारे में। और ये सुनने के बाद तो काजुआ की हालत काफी खराब हो जाते हैं। तभी मिजुआरा कहती क्या मेरे बारे में, आखिर तुम लोग क्या बात कर रहे थे, मैं भी जानना चाहती हूँ। तभी यामोरी काजुआ की तरफ देखते हुए पूछती है कि तो मास्टर हमें उन्हें सब कुछ बता देनी चाहिए क्यों, है ना, हम यहाँ पर सब कुछ हैंग आउट कर रहे हैं तो हमें सब कुछ शेयर कर भी लेनी चाहिए। और ये सुनने के बाद तो काजुआ मिजुआरा को और यामोरी की तरफ देखने लगते हैं और वो सोचने लगता है कि यामोरी तुम मुझे फंसाने वाली हो। और यहाँ पर मिजुआरा एक अजीब रिएक्शन देती है। तभी मिजुआरा कहती है कि अगर तुम्हें मुझे कुछ कहना ही है तो क्यों आगे नहीं बढ़ते और मुझे कह ही नहीं देते, और मुझे नहीं लगता है कि हमारे बीच ऐसा कोई बाउंड्री है, तो मैं इसके बारे में इतना ज्यादा सोचना नहीं चाहिए और मुझे बता देना चाहिए। यहाँ पर काजुआ मिजुआरा की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है कि ऐसा नहीं लग रहा है कि वो मेरी फीलिंग को थोड़ा भी समझ रही है, और वैसे मुझे तुम्हारे साथ बात करनी है कि आज तुमने क्या किया और यहाँ पर तुम हमसे कैसे मिलने आ गई, मुझे पूछना है कि आखिर तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। और वो खुद से कह रहा होता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं इसके लिए इंतजार करूंगा, लेकिन सच कहूं तो मैं थोड़ा परेशान हूं और वैसे मैं तुमसे अब दूर हूं और इसलिए मेरे पास इतना अपॉर्चुनिटी नहीं कि मैं तुम्हें देख सकूं। और ये सब सोचते हुए काफी परेशान हो रहा होता है। तभी वो पूछ ही लेता है कि ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी भी तुम अपनी फीलिंग के बारे में सोच रही हो, हम अभी वो अपार्टमेंट से दूर जाने वाले हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इससे तुम थोड़ी भी परेशान नहीं हो। और वो पूछता है कि क्या तुम सच में इससे सेट नहीं हो या फिर कुछ और। ये कहने के बाद काजुआ सोचने लगता है कि ये क्या किया, मैंने आखिर कह ही दिया। और वो सोचने लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मिजुआरा और वो भी सेट, मिजुआरा रेयर है, वो मुझे और देख नहीं पाएगी, लेकिन वो इसके लिए क्यों सेट होगी। तभी हम देखते हैं कि मिजुआरा ड्रिंक करना स्टार्ट कर देती है। तभी वो कहती है कि मैं इसके लिए परेशान हूँ, मैं सच में इसके लिए परेशान हूँ। और वो काजुआ की ओर देखते हुए कहती है कि तो अब क्या। यहाँ पर
राजू है तो मिजुआरी की बात सुन के चौंक गया होता है एकदम से। और हमें आखिर में कहा जाता है कि वो परेशान है, वो सच में है और वो आगे बढ़ी और इसके बारे में बता ही दिया। और अब काजुए की बारी है, अब वो क्या करेगा। और यहाँ पर ये चैप्टर एंड हो जाता है और इस चैप्टर में हमें पता चल ही जाता है कि मिजुआरी की रियल फीलिंग क्या है। तो यह नेक्स्ट चैप्टर इंटरेस्टिंग होने वाली है।